फ्रेंड्स आज हम एक कटोरा मलाई से घी बनाएंगे, बटर बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, वो भी अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में। आप मेरी रेसिपी को देखने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखें। यहाँ हमने एक कटोरा भर के मलाई ली है। इस मलाई से हम घी, बटर, पनीर तीनों चीज़ों को बनाने वाले हैं। उसके लिए यहाँ हम सबसे पहले एक बड़ा पतीला ले लेंगे। हमने एक बड़ा पतीला ले लिया है, इसमें हम सारी मलाई को निकाल लेंगे। हमें इसमें मलाई को फेंटने में आसानी होगी। मलाई निकाल ली है। इस मलाई को मैंने एक हफ्ते तक इसको मैंने स्टोर करा था फ्रीज़र में रख के। जब हमें ये मलाई का घी निकालना होता है या बटर बनाना होता है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रख देंगे एक घंटे के लिए, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है ताकि हमें इस तरह से इसे फेंटने में आसानी हो। अब हम इसको फेंटने के लिए थोड़ा सा चिल्ड वाटर डालेंगे, ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा करके हम दो तीन बार डालेंगे। हमने यहाँ चिल्ड वाटर डाला है। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, फेंटने में आसानी भी होगी और जल्दी से हमारा मक्खन निकल जाएगा। हमें इसमें थोड़ी मेहनत तो करना होती है लेकिन हमारा बटर और घी बहुत ही अच्छी तरीके से निकल के आ जाता है। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ, मैंने यहाँ आइस क्यूब्स लिए, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, जल्दी से बटर अलग हो जाएगा। अब इस तरह हम इसे फेंटते रहेंगे। इसमें हमें ठंडा ही पानी डालना है थोड़ा थोड़ा करके और आइस क्यूब्स डालते हुए ही फेंटते रहना है। ये आप देख सकते हैं फेंटते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं और ये इकट्ठा होने लगा है। अब हमें डाल देना है इसमें थोड़ा सा और ठंडा पानी। और यहाँ मैंने 6-7 आइस क्यूब्स लिए हैं, ये भी डाल दूंगी और फिर से हम इसको इसी तरह फेंटते रहेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा पानी और आइस क्यूब्स डालते हुए फेंटते हुए 5 मिनट और हो गए हैं। टोटल हमें 10 से 12 मिनट हो गए हैं मलाई को फेंटते हुए और इसमें अब काफ़ी मिल्क निकलने लगा है और बटर हमारा एक साइड जमा होने लगा है। हमें इसे थोड़ी देर और इसी तरह फेंटते रहना है ताकि इसमें जितना भी हमारी मलाई में मिल्क होगा वो बाहर आएगा और बटर हमारा सारा इकट्ठा हो जाएगा। हम इसे 3 से 4 मिनट और इसी तरह फेंटेंगे। ये देख सकते हैं फेंटते हुए हमें 5 मिनट और हो गए हैं, ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है और जितना भी इसका मिल्क निकलना था निकल गया है। बटर को हम चलाते हुए इकट्ठा कर लेंगे डो फॉर्म में बिल्कुल, और जितना भी मिल्क निकला है इसको हम एक अलग पतीले में रख लेंगे। हमने एक बर्तन लिया है, बटर को हम अच्छे से दबाते हुए ही निकालेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा सारा निकल जाएगा। अब यहाँ हमने एक बर्तन लिया है, हम इस बर्तन में बटर को निकाल लेंगे। ये हमने पतीला लिया है, इसमें हम सारा मिल्क निकाल लेंगे। मलाई फेंटते टाइम जितना भी इसमें मिल्क निकला है हमने निकाल लिया है और इसको छान के एक अलग पतीले में रख लिया है और हमारा काफ़ी सारी क्वांटिटी में बटर निकला है। आधे बटर में हम घी बना लेंगे और आधे बटर को हम सेट करके रखेंगे। हम इस मिल्क से पनीर बनाएंगे जिसे हमने छान कर लिया है, इसे हम अलग कर देते हैं और इसका हम घी बनाएंगे। आधे बटर को हम अलग कर देंगे, इसमें हम सेट करके रखेंगे रेफ्रिजरेटर में। इसके लिए हमने यहाँ एक बटर पेपर लिया है, इससे क्या होगा आसानी होगी हमारे बटर को सेट होने में। अब यहाँ जो हमने बटर लिया है इसको हम हाफ कर देंगे, हाफ का हम घी बनाएंगे और हाफ का हम बटर बनाएंगे। ये देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा बटर निकल के तैयार हुआ है, बिल्कुल स्मूथ। इसमें हम इस तरीके से हम अच्छे से इसको इसमें सेट कर देंगे। ये रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद अच्छे से सेट हो जाएगा। रख देते हैं आधे घंटे के लिए, फिर हम इसे चेक करेंगे और बाकी का हम घी बनाएंगे। कढ़ाई चढ़ा दी है हमने और बटर को हमने कढ़ाई में डाल दिया है घी बनने के लिए। आप जब भी घी बनाएं तो मलाई को इसी तरह फेंटते हुए ही बनाएं, इससे क्या होगा हमारा घी भी अच्छी क्वांटिटी में निकल आता है और बटर भी अच्छी क्वांटिटी में निकल आता है और पनीर भी साथ ही में तैयार हो जाता है। बटर हमारा पूरा मेल्ट हो गया है, अब हम इसे इसी तरह मीडियम टू हाई में इसी तरह छोड़ेंगे। यहाँ मैंने जितना भी हमारे बटर निकालने में मिल्क निकला था इसे मैंने गैस ऑन करके चढ़ा दिया है। हम इसका पनीर बनाएंगे, इसमें हम बॉईल आने देते हैं। दूध में बॉईल आ गया है, अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ हाफ लेमन को अच्छे से इसका जूस निकाल लिया है, इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप,
हमारा पनीर बनना शुरू हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे, हम इसे अच्छे से छान लेते हैं। हमने यहाँ एक कॉटन का कपड़ा लिया है, यहाँ हम सारे फटे हुए दूध को छान लेंगे पनीर बनाने के लिए। ये देख सकते हैं आप, अच्छी क्वांटिटी में पनीर निकल आया है। अब हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि हमने इसमें नींबू डाला था, तो सारा हम अच्छे से इसको धोकर निकाल लेते हैं। अब हम अच्छे से पनीर को धो लेंगे ताकि इसमें नींबू की स्मेल ना रहे। हमने अच्छे से इसको दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल लिया है अच्छे से पनीर को धोते हुए। अब हम इसको सेट कर देंगे, हम इसे अच्छे से दबा कर रखेंगे। यहाँ हमने यहाँ एक पानी से भरा पतीला लिया है, इसको हम पनीर के ऊपर रख देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा पनीर का निकल जाएगा और पनीर अच्छे से 1 से 2 घंटे में सेट हो जाएगा। पनीर भी हमने सेट होने के लिए रख दिया है और हमारा बटर भी रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रखा है। अब यहाँ हम घी को भी तैयार कर लेते हैं। लगभग हमारा घी भी तैयार होने वाला ही है, जब तक हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। हमारा घी भी रेडी हो गया है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एक कंटेनर में अच्छे से स्टोर करेंगे। हमने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम एक छलनी रखेंगे, हम इससे घी को छान लेंगे। आहिस्ता से हम सारे घी को छानते जाएंगे। काफ़ी सारी क्वांटिटी में ये आप देख सकते हैं, हमने सारा घी निकाल लिया है, अच्छे से छान लिया है। अब हम कढ़ाई को एक साइड रख देंगे और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमारा घी निकल आया है। और जितना भी ये एक्स्ट्रा हमारा मावा निकला है, इसे हम एक कटोरी में डाल देंगे। हमारा घी बनकर तैयार हो चुका है, अब हम बटर को चेक कर लेते हैं। बटर भी सेट हो गया है, अब हम आहिस्ता से इसको निकाल लेंगे। बटर बहुत अच्छे से सेट हुआ है, मैं आपको इसे चेक करके भी दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्मूथ हमारा बटर बन के तैयार हुआ है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ बटर बना है हमारा। अब हम पनीर को भी चेक कर लेंगे, हमारा पनीर भी बन के तैयार है, हम इसे कट करके दिखाएंगे। पनीर को हमने 1 घंटे में सेट करा है, आप देख सकते हैं हमने 1 घंटे के लिए पनीर को सेट होने के लिए रखा था। 1 घंटे में हमारा पनीर भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है, बटर भी अच्छे से सेट होके तैयार हो गया है और हमारा घी भी अच्छी सी क्वांटिटी में निकल गया है। घी बनाते वक्त जो ये मावा निकला है, इससे आप गुजिया बना सकते हैं, मीठे पारे बना सकते हैं या पराठे बना सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपने देखा कि हमने 1 कटोरे मलाई से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बटर भी बनाया है, घी भी बनाया है और पनीर भी बना लिया है। अगर आप इसी तरीके से घी बनाएंगे तो आप भी इसी क्वांटिटी में बटर भी बना लेंगे, घी भी बना लेंगे, पनीर भी बना लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब भी करें। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और कमेंट में बताना ना भूलें आपको मेरी घी बटर पनीर की रेसिपी कैसी लगी।